अगर आप सीरियसली जर्मनी में पढ़ाई करने आना चाहते हो तो ये स्कॉलरशिप जो है वो ज़रूर अप्लाई करना। बट ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया से यहाँ पर आ रहे हैं। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगेन आज हम स्टडी रिलेटेड वीडियो लाए हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, क्योंकि इस वीडियो में है वो राज जो आप लोग सुनना चाहते हैं। आज मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी जो कि आप 100% तक स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पर ले सकते हो। टॉप 3 स्कॉलरशिप आज हम लोग बात करेंगे जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइक इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और जर्मनी में मुफ्त में जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो जो है वो एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारी टिप्स होगी जिससे आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जर्मनी में जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फीस जो होती है वो जीरो होती है। तो इसका मतलब ये है कि ट्यूशन फीस तो जीरो हो गई, पर एक्सपेंसेस के लिए आपको कुछ मनी जो है वो ऑलरेडी सेव करना होता है या फिर लोन लेना होता है। आज हम बात करेंगे वो जो मनी है, जो एक्सपेंसेस है, वो भी कैसे आप स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसमें आपके एक्सपेंसेस तक या एक्सपेंसेस से ज़्यादा जो है वो आप स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। द बेस्ट पार्ट इज़ ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको मंथली स्टाइफन तो ऑफ़र करती ही है, इसके साथ साथ वो आपको और भी बहुत सारे अलाउंस जो है वो ऑफ़र करती है, जिससे आपकी लाइफ जो है वो कम्फर्टेबल होती है यहाँ पर जर्मनी में एज ए स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, फैमिली बेनिफिट्स देती है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस का कोई अलाउंस है वो देती है, अदर कोई अलाउंस है वो देती है, और मंथली स्टाइफन भी उतना देती है जितना आपका मंथली एक्सपेंस यहाँ पर होता है वो। उसके अलावा अगर आपको रिसर्च के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, कुछ यूरोज की ज़रूरत है, वो भी इंस्टीट्यूट्स जो है वो आपको ऑफर करता है। और वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि यार पढ़ाई करना बहुत एक्सपेंसिव है फॉरेन में और ये एक बहाना है, तो अब ये बहाना नहीं रहा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप 100% तक स्कॉलरशिप जो है वो ले सकते हैं इंस्टीट्यूट से। टॉप 3 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के बारे में आज हम बात करते हैं। कौन से कोर्सेज में स्कॉलरशिप मिलती है वो बात करेंगे, डेडलाइंस क्या होती है, कब आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होती है, या आपके चांसेस कैसे इंक्रीज होंगे कि आपको ये स्कॉलरशिप मिले ही मिले, वो भी टिप्स और ट्रिक्स जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या लगेंगे, क्योंकि मे बी ये डिफरेंट होंगे देन इंडिया में जो डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, तो जर्मनी में क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। तो हम सबसे पहले एक नॉर्मल बात करते हैं, यहाँ पर जो मास्टर्स स्टूडेंट्स होते हैं या जो ग्रेजुएशन करते हैं उन स्टूडेंट्स को स्टाइफन जो है वो डार्ट जो है अराउंड 934 यूरोस जो है वो प्रोवाइड करती है, कि वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो डार्ट के बारे में बात कर रही हूँ। और अगर पीएचडी स्टूडेंट्स है तो वो पीएचडी स्टूडेंट के लिए अराउंड 1200 यूरोस पर मंथ स्टाइफन जो है वो प्रोवाइड करती है। अब आप इंटू 12 कर लो या आपका जितने भी टाइम का कोर्स है इंटू उतना कर लो, आपको इतना खर्चा जो है वो स्कॉलरशिप में मिलेगा। Then the other thing is how you can stand differently, या तुम्हारे कैसे chances increase होंगे वो मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ। तो ये combination है आपका education background का, आपने क्या education की है previously, उसका CGPA कितना है, मतलब उसके marks कितने आपने लिए हैं या एक्वायर करे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में कम CGPA पे भी आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाता है, बट कहीं कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, उस केसेस में आपका CGPA जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोल रही हूँ, मे बी आप नोट डाउन कर सकते हो, वो ये है कि वॉलंटियर वर्क। आप किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा कैरिकुलम वर्क या वॉलंटियर वर्क करोगे तो वो, और उसका डॉक्यूमेंट दिखाओगे तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस प्ले करता है आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने जो है वो अपने गंगा की जो साफ़ सफाई है उसका वॉलंटियर वर्क किया था एंड वो सिलेक्ट हो गया यहाँ की यूनिवर्सिटी में, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में। आई हेल्प दैट स्टूडेंट, तो आई नो कि उसका CGPA जो है वो बहुत ऑसम नहीं था, बट ये जो पर्टिकुलर वॉलंटियर वर्क है ये मेजर रोल जो है प्ले किया है उस स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा
अलावा अगर आपने और कोई काम करे हैं, आपके और कोई सर्टिफिकेट्स हैं जिसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा या डिफरेंट काम किया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ठीक है, आप बहुत टैलेंटेड हो, आपने काम भी किया है, बट उसको राइट तरीके से मोटिवेशन लेटर में लिखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि सामने वाले को भी इम्पैक्टफुल लगे। एंड मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप में मोटिवेशन लेटर या कवर लेटर जो है वो मांगते हैं, जिसमें बेसिकली यही आपका काम का जो चिट्ठा होता है वो लिखा जाता है। तो ये जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट कुछ टिक्स या ट्रिप्स जो है वो लास्ट में आने वाली है जो मैंने आपको बताई है। पहली स्कॉलरशिप मैं आपको बता रही हूँ वो है डार्ट स्कॉलरशिप। डार्ट स्कॉलरशिप जो है वो 100K से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंटरनेशनली प्लस लोकल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प करता है, ताकि अगर वो टैलेंटेड हैं तो वो यहाँ पर आएँ और विदाउट किसी फाइनेंशियल बर्डन से यहाँ पर पढ़ पाएँ। और ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मैंने बोला 100K, तो ऑफकोर्स बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ बंच ऑफ टैलेंटेड पीपल, तो आपके भी चांसेस हैं ये स्कॉलरशिप पाने के लिए। अब डार्ट स्कॉलरशिप जो है वो सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं है, वो डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट है। मास्टर्स और पीएचडी और डॉक्टरेट के लिए सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स जो है वो आपको दिखेगी। ये जो लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसमें आप सारी डिटेल्स देख सकते हो कि ये स्कॉलरशिप, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कॉलरशिप मैंने ओपन करी, इस स्कॉलरशिप का क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कितना स्टाइफंड मिलेगा, आपको और दूसरा अलाउंस कितना मिलेगा, कितने टाइम तक के लिए मिलेगा, किस कोर्स के लिए एलिजिबल है, एंड बाकी सारी डिटेल्स। बैचलर के लिए काफ़ी कम ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं, प्लस इंटर्नशिप्स के लिए काफ़ी कम है, बट अगर मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट हैं आप, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि डार्ट जो है वो काफ़ी सारी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इस तरीके की स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है। अब आपको मैं सिर्फ एक स्कॉलरशिप के बारे में रीड करके बताती हूँ, तो आपकी आपको आइडिया हो जाए। जैसे ये स्कॉलरशिप आपको दिख रही है, यूनिवर्सिटी समर कोर्सेज इन जर्मनी फॉर फॉरेन स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट्स। इसमें लिखा हुआ है कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो बिकॉज इट्स फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, तो हम लोग लाइक इंडियन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो कि बैचलर या मास्टर डिग्री प्रोग्राम जो है वो ऑफ प्रोग्राम में जा रहे हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और एटलीस्ट 2 साल की उन्हें डिग्री या फिर जो स्टार्ट ऑफ स्कॉलरशिप है वो होना चाहिए। तो ये जो है हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है कि मास्टर्स और बैचलर के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और एटलीस्ट 2 साल का तो आपका कोर्स होना ही चाहिए, सिंपल सी चीज़। ठीक है, इसके बाद ड्यूरेशन कितना है, तो एटलीस्ट 18 टीचिंग डेज इन द पीरियड फ्रॉम जून टू नवंबर। बेनिफिट्स क्या है, मतलब स्कॉलरशिप में आपको क्या ऑफर होगा, तो सबसे पहले तो ऑन ऑफ स्कॉलरशिप पेमेंट ऑफ 1,134 यूरोस, तो ये आपको मिलेंगे। इसके बाद आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस अगर आपको वहाँ से टिकट करना है, वो सारी जो है पैसे वो आपको उसके मिलेंगे। तो ये रही एक पर्टिकुलर स्कॉलरशिप की बात, बट अगर आप इस पर्टिकुलर लिंक में देखोगे तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो या आप एलिजिबल हो इनमें से किसी में भी, तो आप डायरेक्टली इस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। लिंक्स जो हैं वो सारी जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगी। फर्स्ट स्कॉलरशिप के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, तो आई थिंक सो कि आपको, आप जहाँ जहाँ एलिजिबल हो आपको वहाँ पर अप्लाई कर लेना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा डेडलाइन बताऊँगी और एप्लीकेशन प्रोसीजर बताऊँगी, उसके बाद मैं सेकेंड स्कॉलरशिप की तरफ मूव करूँगी। तो सबसे पहली बात, जैसे आपको डेडलाइन दिख गई कि नवंबर में डेडलाइन है, तो आप ट्राई करो कि 3 से 4 महीने पहले आप सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट कर लो। इसके अलावा ऑनलाइन ही आप जो है वो एक ज़रिया मत मानो, इसके अलावा आप वो जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, जो आपकी एप्लीकेशन है, वो फिज़िकली भी जो है वो यहाँ पर भेजो जर्मनी में। इसका कॉस्ट अराउंड पर एप्लीकेशन 25 से 30 यूरोज़ आएगा, बट ये आपके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि कभी कभी मेल्स मिस आउट हो जाते हैं, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी के मामले में टेक्नोलॉजी को सेकेंडरी जो है क्राइटेरिया दिया जाता है। तो अगर आप फिजिकली अपनी एप्लीकेशन भेज देते हो तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है अगर आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। अभी जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे आपकी डेडलाइन कोई भी स्कॉलरशिप की 31st ऑफ अगस्त दिखी आपको, तो आपको अप्लाई करना चाहिए उसको जून में,
है ना, अक्टूबर तक आपको जो भी जैसे डार्ड है वो आपको कंफर्मेशन देगा, और कंफर्मेशन के साथ साथ टाइम भी देगा अगर उसे एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट चाहिए या एडिशनल रिव्यू आपकी एप्लीकेशन मांगता है तो वो टाइम भी देगा। एंड नवंबर में हो वो आपको या तो आपको मोटिवेशन लेटर बाकी सारी चीज़ें आपसे मांगेंगे या इंटरव्यू के लिए आपको ऑनलाइन कॉल करेंगे, उसके बाद वो डिसीज़न लेंगे अगस्त में कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये एक जनरल फ्रेमवर्क है, दैट मीन्स कि आपको बहुत पहले से जो है वो प्रिपेयर होना पड़ेगा स्कॉलरशिप के लिए। सेकेंड स्कॉलरशिप है वो है एरास्मस स्कॉलरशिप, जो कि मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए होती है। ये स्कॉलरशिप जो है काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलती है एंड नंबर्स भी काफ़ी सारे होते हैं, तो चांसेस ऑफ कोर्स ज़्यादा होते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये स्कॉलरशिप अगर आपको मिलेगी तो आपको एटलीस्ट दो कंट्रीज़ में तो पढ़ाई करनी ही पड़ती है, तो हो सकता है दो कंट्रीज़ से ज़्यादा की यूनिवर्सिटी में आप जाओ और आप पढ़ाई करो, बट एटलीस्ट दो कंट्रीज़ में भी तो आपको पढ़ाई करनी ही होती है। इसके अलावा अगर इसके हम बात करें कि क्या क्राइटेरिया होता है या क्या एलिजिबिलिटी फैक्टर होता है, तो ऑफ कोर्स अगर आपने किसी एनजीओज़ में काम किया है, कोई अच्छा वॉलंटियर काम किया है, वर्क किया है, तो ये आपके काफ़ी हद तक चांसेस इंक्रीज कर देता है। तो अगर आप पढ़ाई करने का सोच रहे हो जर्मनी में तो आप इस तरीके के काम ऑलरेडी करना स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपने ऑलरेडी किए हुए हैं तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी आपकी एप्लीकेशन के लिए। प्लस ये पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी स्कॉलरशिप होती है। ऑफ कोर्स आपको एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन के साथ साथ फिज़िकली भी भेजना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। इसके अलावा आपको अच्छा खासा जो है वो स्टाइफन मिलेगा पर मंथ का, जितना भी खर्चा है लाइक 400 यूरोस पर मंथ जो है आपको इसमें मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है। आपका यहाँ पर खर्चा 900 यूरोस तक का होता है, तो एडिशनल टू दैट आपको मिलता है, डेट मीन्स इट्स नॉट इवन फुली फंडेड, उससे भी ज़्यादा आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा, विच इज़ वेरी गुड। अगर ट्यूशन फीस है तो वो भी कवर हो जाती है, वीज़ा एक्सपेंसेस, फ्लाइट टिकट्स जो हैं वो भी कवर हो जाते हैं, तो ये स्कॉलरशिप जो है वो वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप मानी जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। डॉक्यूमेंट्स में लेटर ऑफ मोटिवेशन जो मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस मोटिवेशन लेटर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने क्या काम करे हैं पहले, आपका CGPA क्या है, आपने एक्स्ट्रा कैरिकुलर कौन सी एक्टिविटीज़ करी है, कौन सी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है जो आपको स्टैंड आउट करता है डिफरेंटली। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्कॉलरशिप के लिए, वो ये है कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक जो है या टेस्ट जो है वो आपको दिखाना पड़ता है, तो TOEFL जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, IELTS का एग्ज़ाम देना इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें अच्छे मार्क्स आना इम्पॉर्टेंट होता है, और आपका रिज्यूमे जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो DART में भी ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप में भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो सिमिलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट आप कैसे प्रेजेंट करते हो, किस तरीके से उसे अरेंज करते हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसी के साथ मैंने आपको एक और टिप दे दी जो ज़रूरी है आप लोगों को ध्यान रखने के लिए। अब हम चलते हैं इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप की लिंक पे। ऑफकोर्स ये लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर है कीवर्ड, आप कीवर्ड डाल सकते हो आपका एरिया, जैसे अगर आपको कंप्यूटर साइंस में करना है मास्टर्स या जो भी करना है, या पीएचडी में आपको कोई कोर्स करना है तो आप वो चूज़ कर सकते हो, देन कंट्री चूज़ कर सकते हो, ड्यूरेशन एंड क्रेडिट चूज़ कर सकते हो, यूनिवर्सिटी भी चूज़ कर सकते हो यहाँ पर, एंड फील्ड ऑफ स्टडी भी चूज़ कर सकते हो, और ईयर ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्शन भी कर सकते हो। तो आप देखोगे कि नीचे जो है वो सारे कोर्सेज आ गए, उसके बारे में आप सब पढ़ सकते हो, इंडिविजुअल लिंक पर अप्लाई कर सकते हो, और इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के बाद ऑफ कोर्स आप सिलेक्ट भी हो सकते हो अगर आप टैलेंटेड हो तो। एक और चीज़, अगर आप सीरियसली जर्मनी में पढ़ाई करने आना चाहते हो तो ये स्कॉलरशिप जो है वो ज़रूर अप्लाई करना। एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप का मिलने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज नंबर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है वो है रोज़ा लुक्जमबर्ग स्टाइफिंग स्कॉलरशिप, जो भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्टाइफिन कवरेज देता है और मंथली अलाउंस देता है, तो इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप
पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी, जो ये मास्टर स्टूडेंट्स होते हैं, पीएचडी और डॉक्टरेट स्टूडेंट्स होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। लिंक में बाकी सारी डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी, बट मैं आपको स्टाइफन डिटेल्स दे देती हूँ। तो मंथली स्टाइफन अराउंड 1450 यूरोज मिलेगा आपको। इसके अलावा 100 यूरोज अदर अलाउंस मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी कॉस्ट होगा वो भी मिलेगा आपको। लैंग्वेज के लिए अगर आपको कोई हेल्प की चाहिए, ज़रूरत होगी, तो वो भी मिलेगा। तो ये वाली स्कॉलरशिप जो है वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी है अगर आप अप्लाई करते हैं तो। द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर आपको कोई रिसर्च करना है यहाँ पर या कुछ डिफरेंट वर्क करना है यहाँ पर, तो आप वो अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है उसमें लिख सकते हैं, तो वो आपके चांसेस इंक्रीज कर देगा इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए। प्लस अगर आपके एकेडमिक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी है, जर्मन प्रोफिशिएंसी, ठीक है, आपके अदर अचीवमेंट्स हैं, या तो वो काम को लेकर हो, या आपने कोई रिसर्च करी है उसको लेकर हो, या आपने जो एजुकेशन लाइक 10th 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए। ये स्कॉलरशिप जो है ये 2 ईयर्स के लिए होगी। तो 2 ईयर्स तक आपको स्टाइफन, मंथली स्टाइफन और दूसरा अलाउंस जो मैंने बोला है वो आपको मिलेगा। ऑफकोर्स आप कोर्स चेक कर सकते हैं इस लिंक पे जो मैंने आपको लिंक बोली, इसमें आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। तो मैंने आपसे काफ़ी सारे टिप्स जो हैं वो शेयर करे। लास्ट टिप मैं आपसे अगेन शेयर करूँगी कि लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं, एकेडमिक चीज़ें हैं, वो इम्पॉर्टेंट है आपकी एप्लीकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। प्लस एक और चीज़, आप मत सोचना कि हर एक एप्लीकेशन को आपको जर्मनी में भेजने में कितना यूरोज़ लग रहा है, क्योंकि वो यूरोज़ ठीक है 20 से 25 यूरोज़ आपको लगेगा, या उससे कम भी लगेगा हर एक एप्लीकेशन भेजने के लिए, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो फिज़िकली यहाँ पर आ जाए। इसके अलावा अगर आप इंटरव्यू के लिए बाद में प्रिपेयर करोगे स्कॉलरशिप के लिए, तो जो भी आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में लिखा है वो ज़रूरी है कि आपको वो बाय हार्ट हो, और आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सको विद एग्जांपल्स। जब आपने स्कॉलरशिप अप्लाई कर ली, उसके बाद सारी चीज़ें हो गई, रिव्यू हो गया, और उन्होंने बोला कि ठीक है इंटरव्यू राउंड लेते हैं, तो इंटरव्यू राउंड भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप इंटरव्यू राउंड में सक्सेसफुल नहीं हुए तो आपकी सारी मेहनत जो है वो ख़राब हो जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है यहाँ पर। और ऑफकोर्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी किसी किसी जगह पर इंपॉर्टेंट होती है स्कॉलरशिप में, कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स में इंपॉर्टेंट नहीं होती। इसके अलावा मैं एक और चीज़ जानना चाहती हूँ कि अगर आप जर्मनी में पढ़ाई करने आना चाहते हैं, या फिर आसपास के यूरोपियन किसी देश में पढ़ाई करने आना चाहते हैं, तो आप फ्री एजुकेशन को ज़्यादा वेटेज दोगे या स्कॉलरशिप को ज़्यादा वेटेज दोगे? क्योंकि यहाँ पर स्कॉलरशिप जो है वो ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों को मिलती है, बट फ्री एजुकेशन भी जो है वो एक बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ हो जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर कितना होता है, या स्टूडेंट्स का खर्चा कितना होता है, तो उसमें आपको बाकी सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी। एक और बात, किसी स्कॉलरशिप के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो वो ज़रूर कमेंट करना, उसके बारे में मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ। मैं लेके आने वाली हूँ एक वीडियो जिसमें मैं top 5 या top 10 जर्मनी की स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करूँगी। तो वो ऑफकोर्स आपको एक ही वीडियो में सारी स्कॉलरशिप होगी, और आप सारी लिंक्स के थ्रू जल्दी से अप्लाई कर सकते हो, तो वो एक आपके लिए गाइड भी होगा, लाइक वीडियो गाइड भी होगा। एक और चीज़, अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आके ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करना स्टूडेंट, और अगर आप जॉब्स से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो और आपने सोचा चलो यार स्टडी से रिलेटेड भी देख लिया जाए, इतना तो अफोर्डेबल है जर्मनी में, तो जॉब्स जो है वो कमेंट करना, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। वो मुझे हेल्प करेगा कि मुझे कौन से एरियाज़ में वीडियोस बनाना है ज़्यादा, जॉब से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड। बट ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया से यहाँ पर आ रहे हैं। आप लोग जो है वो अप्लाई तो कर देते हो यूनिवर्सिटीज़ में, बट प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है कि यार स्कॉलरशिप्स नाम की भी कोई चीज़ है, और काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स को अब स्कॉलरशिप मिलने लगी है, तो उनकी पढ़ाई जो है एकदम मुफ्त में हो
जाती है। और मैं आपको फिर से लास्ट में बोलूंगी, अब अगर नो पैसा जो है अब कोई बहाना नहीं है जर्मनी में पढ़ाई करने के लिए। अगर आप टैलेंटेड हो, आप पढ़ाई करना चाहते हो, आपके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करी हुई हैं, अचीवमेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं, तो ये जो है वो मुफ्त में पढ़ाई आप यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हो। ये था मेरा वीडियो आज का और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो में। कमेंट ज़रूर छोड़ देना कि आप जॉब से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं या स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।